मध्य प्रदेश की ताजा खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दूसरी चीज, आप धीरे धीरे खोलेंगे आखिर कब तक बंद रखें? अब मंडी बंद है तो किसानों का काम धाम बंद है, फिर कई तरह के काम बंद है तो मजदूरों को दिक्कत है, तो धीरे धीरे खोलना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं, एकदम सब चीज हम नहीं खोलेंगे। गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम और ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम बैठे बैठ के अपने विचार करें कि कौन सी चीज चलनी चाहिए और कौन सी नहीं चलनी चाहिए। जिला आपका यहां से मार्गदर्शन करेगा, गाइड करेगा कि क्या चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, अंतिम फैसला आप करो। और ये क्यों जरूरी है, देखो एक साथ आपने खोल दिया तो बाजारों में भीड़ हो गई, बाजारों में भीड़ हुई तो एक 20 संक्रमित है तो वो 10 को 10 100 को करेंगे तो फिर अपना नंबर बढ़ जाएगा, एक बात तो ये। दूसरे, दुकानदार दुकान खोले, आप नियम बनाओ कि आपकी दुकान खुलेगी तो इस नियम का आपको पालन करना पड़ेगा, और जो पालन नहीं करेगा उसकी दुकान बंद कर दी जाएगी, सीधी बात। क्योंकि दुकानदार की जिंदगी का सवाल तो है ही, ग्राहक की और जनता की जिंदगी का भी सवाल है। और इसलिए आप नियम बनाए दुकानदार, मतलब मास्क पहने, सैनिटाइजर रखे, दूरी बना के रखे, दुकान में ऐसे नहीं हो कि दो लोग बगल बगल में ही सड़के बैठे, वो करना पड़ेगा। तो आप ऐसे दुकानदार के लिए भी गाइडलाइन बनाए और ऐसे खरीदार के लिए भी गाइडलाइन बनाए। दुकान के सामने गोले बनना जरूरी है ताकि गोलों में दूर दूर खड़े हों लोग, अपनी बारी आए तब सामान खरीदें, और जनता भी सड़कों पे उमड़ ना पड़े। और इसलिए राजनीतिक रैलियां बंद रहेंगी, धार्मिक आयोजन बंद रहेंगे, सामाजिक कार्यक्रम बंद रहेंगे। शादी विवाह सुपर स्प्रेडर है, सुपर स्प्रेडर का मतलब होता है तेजी से फैलाने वाला। अब शादी तय हुई तो मेहमान आ गए, और मेहमान आ गए तो कुछ मेहमान तो निकट के रहते हैं तो घर में सब रहेंगे एक दिन दो दिन, और घर में रहते हैं तो घर में जगह सीमित है, तो अपन तो जानते हैं कि भाई गद्दा बिछाया और एक ही गद्दा पर दो दो तीन तीन सो गए, हाल है कमरा है कितने पूरे भरे रहते हैं खचाखच, और उसमें एक भी अगर संक्रमित निकला तो पूरे के पूरे को संक्रमित कर देता है। इसलिए शादी विवाह के बारे में हर एक जानकार ने यही कहा कि सबसे ज्यादा फैलने का खतरा इनसे, क्योंकि अंदर रहते हैं अपन, बाहर वायरस अगर मैदान में है तो कम प्रभावित करता, अंदर तो वो कसर ही नहीं छोड़ता बिल्कुल। जैसे ही सांस छूटी आपकी, वैसे ही दूसरे की सांस से चला गया वो नाक में। जब रात में रहोगे तो रात में कोई कोई मास्क सोते समय थोड़ी लगाते हैं लोग। इसलिए शादी विवाह भी आप तय करो कि पांच पांच लोग रहेंगे कि दस दस लोग, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे शादी विवाह। हर एक आयोजन का ये तय होगा कि अंतिम संस्कार भी होना है, तो भैया अंतिम संस्कार में इस समय संयम की जरूरत है, ये 10 लोग जाएंगे ये 15 लोग जाएंगे बस, ज्यादा अभी नहीं जाएंगे, ये समय नहीं है ऐसा कि हम ज्यादा भीड़ लगा के जाएं, कोई भीड़ वाले कार्यक्रम नहीं होंगे, ये आपको तय करना है। कई कई चीजें आपको तय करना है तो डिटेल आप करेंगे। मैं तो आपको ये निवेदन कर रहा हूं कि ये आप भी तय करना गाँव में कि मनरेगा की मजदूरी तो इतने मजदूर जाएंगे, मास्क लगा के जाएंगे और बगल बगल में काम नहीं करेंगे, थोड़े दूर दूर करेंगे। तेंदू पत्ता मान लीजिए टूट रहा है कुछ जगह, तो तेंदू पत्ता में एक पेड़ पर दो नहीं तोड़ेंगे, दूर दूर तोड़ेंगे, अब गड्डी बना के लाएंगे तो इकट्ठे नहीं घुसेंगे। बैंक से किसान को पैसा निकलवाने जाना है, उपार्जन का पैसा, फिर प्रधानमंत्री जी ने भी खाते में डाला, मैंने भी खाते में डाला, अलग अलग राशि डल रही है, उनको निकलवाना है और मजदूर को निकलवाना है, तो आप बैंकों की भी एक गाइडलाइन बनाओ, क्योंकि नहीं तो वहां भीड़ खड़ी है पूरी की पूरी, तो वो दिक्कत कर देगी, वो फैला देगी। तो बैंक से पैसा निकालने का सिस्टम, राशन की दुकान पर राशन लेना है तो गांव की समिति तय करे, आप सवेरे से लेकर रात तक दुकान खोलो, एक साथ ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, कितने लोग कैसे जाएंगे वो भोपाल तो थोड़ी देख सकते हैं, वो गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी देखेगी कि ऐसे लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है 2 महीने का राशन निःशुल्क, हमने राज्य सरकार ने दिया 3 महीने का राशन, राशन की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन राशन लेने का तरीका वो आपको तय करना पड़ेगा। तो मैंने कुछ उदाहरण दिया, ऐसी कई चीजें व्यवहार की हमको तय करनी पड़ेगी। याद रखो कोरोना वायरस से कम फैलता है, हमारे व्यवहार से ज्यादा फैलता है, इसलिए दुनिया में कहा जाता है कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर करो, मतलब जिससे कोरोना का संक्रमण ना फैले ऐसा आचरण और व्यवहार करो। मतलब वही है कि एक दूसरे के बगल बगल में नहीं रहना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर या साबुन से हाथ साफ करना है, भीड़ नहीं होने देना है, और कोई तरीका ही नहीं दुनिया में अभी, यही तरीका है। देखो अभी भी अगर कम हुआ तो क्यों हुआ, पहले प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया पूरे देश में तो बहुत धीरे धीरे बढ़ा, क्योंकि सब कुछ लॉक था, कोई आ जा नहीं सकता था, रेलें बंद, हवाई जहाज बंद, तो बहुत धीरे धीरे बढ़ा। इस बार हम लोग थोड़ा भूल भाल गए और लगा कि यार गया काय का कोरोना रोना, तो मस्ती के मूड में आ गए, मेला ठेला कार्यक्रम शादी विवाह उत्सव आयोजन तो तेजी से बढ़ गया वो। अब हमने कोरोना कर्फ्यू लगाया तो फिर कम हो गया, लेकिन फिर भीड़ कर देंगे तो फिर बढ़ जाएगा। बताओ आप कब तक बंद करोगे भैया,
ये बंद करना कोई तरीका थोड़ी है। और इसलिए हमको ये तय करना पड़ेगा कि कोरोना का वायरस भी रहेगा और जिंदगी भी चलेगी। हम काम काज सावधानी से करके दुनिया भी चलाएं, बाजार भी खुले, खरीदारी भी हो, खेती भी हो, शादी ब्याह होना है तो वही 5-10 में हो, तो हम ऐसा करें जिससे हमको फिर संकट का सामना ना करना पड़े। और इसलिए हमने जनता को जोड़ा है, जनता से बड़ा कोई नहीं, आप ही तय करो सब चीजें। जो गाइडलाइन आए उसके हिसाब से संकट के समय जनता के साथ पूरी सरकार खड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने भी कसर नहीं कि उनका मार्गदर्शन गाइडेंस लगातार मिलता रहा। जब ऑक्सीजन नहीं थी, मैंने बात की मानी प्रधानमंत्री जी से, तो एयरफोर्स के विमान भेजिए, खाली टैंकर ले लेके एयरफोर्स के विमान जा रहे थे। और जब लाना था तो टैंकर देर में आता था सड़क से चल के, तो रेल में धर धर के टैंकर लाए ऑक्सीजन के टैंकर। जो मदद मांगी मिली, तो प्रधानमंत्री जी भी चिंतित है, हम वो भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और दिनों रात हम सब लगे, मैं भी लगाऊंगा, आप सब लगे हैं दिनों रात, कोई काम ही नहीं किया इसके अलावा। हमारी अफसरों की टीम ने दिनों रात मेहनत की, तो हमारा काम यही रहा कि हम कैसे कोरोना को कंट्रोल करें। तो हम लोगों ने कंट्रोल किया है, तो ये कंट्रोल अब बना रहना चाहिए। राशन निःशुल्क किसानों के खाते में मैंने पैसा डाला, प्रधानमंत्री जी ने पैसा डाला, राशन में गोदाम भी जोड़ दिए कि जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं थी जोड़े ना आप लोगों ने, ताकि कोई गरीब भूखा ना सोए। शहर के जो स्ट्रीट वेंडर है उनके खाते में पैसा डाला पहले, आज 4 बजे भोपाल से गांव के स्ट्रीट वेंडर के खाते में पैसा डालने वाले, 1000-1000 रुपए, ताकि उनका काम भी चलता रहे। ये सारे काम हम कर रहे हैं ताकि जनता को दिक्कत ना हो। अब कोई बेटा बेटी अगर अनाथ हो गए तो उनके लिए हमने योजना बना दी कि भाई उनको 5000 रुपया महीना पेंशन देंगे। आखिर वो अपने बेटा बेटी है, माता पिता नहीं तो हम तो हैं उनके लिए। तो जब तक बड़े नहीं हो जाते पढ़ाई भी फ्री करवाएंगे, उनकी राशन की व्यवस्था करेंगे, वो इंतजाम सरकार ने किया है। इलाज की निःशुल्क व्यवस्था करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना बनाई है, एक नहीं ऐसी कई योजनाएं बनाई जो जनता को राहत दे, क्योंकि आपका दर्द खत्म करना, समाप्त करना, ये हमारा धर्म है। जनता दुखी ना रहे, उसकी बेहतर सेवा करते रहे। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना बाद में बनाई तो प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में इलाज हो जाए, उसका इंतजाम किया। ब्लैक फंगस अब कई जगह फैली है तो उसमें लगे हैं, अभी 2-3 दिन में इंजेक्शन का संकट वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि विदेशों से मंगवाने पड़ते हैं। तो ये सब काम में लगे, लेकिन पूरी तरह से कोरोना आपके साथ मिलकर ही समाप्त करना है। मेरी आपसे अपील है, मैं बार बार आपसे बात करता हूं, आजकल आप देख रहे होंगे, इसलिए कि आप ही वो ताकत है जो कोरोना को गांव में और वार्ड में हराएंगे, ब्लॉक में हराएंगे। और इसलिए आप तय करेंगे कि गांव में दूरी कैसे रहे, गांव में मास्क कैसे लगे, गांव में काम करने कोई कैसे जाए, वार्ड में कैसे जाए, शहर कैसे खुले, कौन सी चीज चले कौन सी चीज नहीं चले, ये सब आपको मिलकर तय करना है और अपन को मिलकर पालन करना है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कोरोना कंट्रोल करने में, जी जान लगा के काम करेंगे, लेकिन आपका भरपूर सहयोग उसमें चाहिए। अगर आप नहीं माने, आप मतलब सबकी बात नहीं करो, जो नहीं माने तो कितने संकट में पड़ते हैं, फिर दूसरा कौन क्या कर सकता है बताइए। गांव में तो आपको ही देखना है ना, और ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप रहेंगे आप हमेशा। अभी कोरोना कंट्रोल कर रहे हैं, बाद में बाकी काम भी करेंगे, राशन बंटवाएंगे, योजनाओं का लाभ दिलवाएंगे, अलग अलग तरह के काम में लगे रहेंगे। मेरा पूरा विश्वास है रायसेन जिले की पॉजिटिविटी अब 1% के आसपास आ गई है, 1.08% के, अब ये बढ़ने नहीं देंगे, हम जीरो करेंगे इसको, जीरो। और जीरो का टारगेट भी बनाया आप लोगों ने, तो 5 मई तक एक्टिव केस ही, 5 जून तक एक्टिव केस ही जीरो कर दोगे, तो आपके साथ मिलकर इसको जीरो करना है। ये जीरो होगा तभी हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा, तभी फिर से चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी।